उषा, फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम दाल की पूड़ी बनाएंगे, चने की दाल से हम पूड़ी बनाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ दाल की पूड़ी बनती है। ये हमने एक बाउल चने की दाल ली है, इसे हम अच्छी तरह से दो बार धो करके इसे फिर हम सोख करके रखेंगे 3-4 घंटे के लिए। इसमें हमने पानी डाल दिया है, इसे हम 3-4 घंटे के लिए सोक करने के लिए इसको जो रख देंगे। जब अच्छे से ये फूल जाएगा फिर हम इसको बनाएंगे। ये देखिए चने की दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हमें इसे जो है पकाना है, तो पकाने के लिए हमने जो कढ़ाई में पानी रख दिया, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। इसमें हम एक बड़ी इलायची, हमने इसको तोड़ ली है, इसको डाल देते हैं। तेज पत्ता है तो इसको डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी पानी में, और इसी में दाल को डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक हम इसी में डाल दे रहे हैं और इसे ढक देते हैं। ढक के इसे अच्छे से हम पका देंगे जब तक पानी सूख नहीं जाएगा, जब तक दाल एकदम गल नहीं जाएगी। दाल के लिए हमें एक मसाला बनाना है। एक साइड हमारी दाल पक रही है और दूसरे साइड हमने पैन चढ़ा दिया है। इसमें थोड़े से सूखे मसाले हमें भूनना है। जीरा 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया है और 2 टीस्पून सौंफ और 8-10 काली मिर्च के दाने हैं। इन सबको हमें भूनना है खुशबू आने तक। थोड़ी सी हींग हम इसी में डाल देंगे। ये मसाला हम चने की दाल में डालेंगे, थोड़ा मोटा मोटा इसको पीस के या कूट के फिर हम डालेंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल दे रहे हैं इसमें, इससे अच्छे से मसाला पीस जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा भून गया है। इधर हम पूड़ी का डो तैयार कर लेते हैं। आधा आटा गेहूं का आटा और आधा मैदा मिला करके थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा नमक, अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप खाली गेहूं के आटे से भी इसकी पूड़ी बना सकते हैं। ये देखिए डो अच्छे से हमारा जो है तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए, थोड़ा आटा हमारा सेट हो जाए। ये देखिए दाल पक गई है और इसमें जो हमने ये डाले थे खड़े मसाले इसे निकाल देते हैं। तेज पत्ता और एक मोटी वाली इलायची डाली थी, अब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम पीस, और इसी में हम एक हरी मिर्च डाल देते हैं साथ में, इसे पीस जाएगी। ये देखिए दाल हमने पीस ली है। अब ये जो मसाला बनाया था हमने इसे हम इसको इसी में डाल देते हैं, डाल के मिला देते हैं। और अब हम इसकी पूड़ी बनाते हैं। डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। छोटी छोटी लोइयां इसकी हम काट लेते हैं।
थोड़ा थोड़ा दाल का बैटर इसमें हम भर ले रहे हैं। अच्छे से दबा दबा के इसको हम भर लेंगे। ये चारों लोइयां हमने भर ली दाल से, अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके इसको हम फैला दे रहे हैं जिससे हमें बेलने में आसानी रहेगी। ऐसे थोड़ा बड़ा इसे हाथ से नहीं है। हल्के हाथों से इसको बेलना है हमें। तेल गरम हमारा, इसी तरह से हम सारी पूड़ियां बनाएंगे। ये देखिए सारी पूड़ियां हमने बना के तैयार कर ली हैं। ये देखिए अब इसे हम एक पूड़ी आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें दाल दिख रही है, बढ़िया भरी हुई है, खूब अच्छे से भरी हुई है, एकदम गर्म है ये। अब हम इसको आपको प्लेट में अच्छे से, ये देखिए हमारी दाल की पूड़ी बन के तैयार है। बहुत अच्छी पूड़ी बनी है, पूरी भरी हुई है दाल से, बहुत स्वादिष्ट है। आज हम जो है गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं और हमारे यहाँ दाल की पूड़ी बनती है, आम और सेवई के साथ खाई जाती है और इसको जो है भगवान के पहले भोग लगाया जाता है, इसीलिए आज हमने इसको बनाया है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के बाद क्या करना है देखने के बाद आपको ये पता है, सब्सक्राइब करना है।